मथुरा पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले राहुल की शादी गाजियाबाद की रहने वाली श्वेता के साथ हुई थी। करीब एक महीने से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। श्वेता वर्तमान समय में अपने मायके में रह रही थी। इसी बीच राहुल के पास एक फोन आता है कि मैं उप निरीक्षक योगेंद्र कुमार थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी ने आप सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में आरोप लगाकर प्रार्थना पत्र दिया है। तो राहुल के भाई हेमंत भारद्वाज ने समझौता कराने की बात कही, तो फर्जी दारोगा के द्वारा समझौता कराने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की गई। राहुल के भाई हेमंत ने मजबूर होकर उसके द्वारा बताए गए अकाउंट में 1 लाख रुपए भेज दिए और बाकी का पैसा लेने के लिए अभियुक्त दारोगा की वर्दी में मथुरा सिविल लाइन पेट्रोल पंप पर आया। वहां हेमंत और अभियुक्त की बातचीत हुई, जिसमें अभियुक्त ने हेमंत से 1 लाख रुपए और ले लिया। इस तरह से व्हाट्सएप पर बात करके उनसे 65,000 रुपए की और ठगी कर ली। इसके बाद जब हेमंत ने उसका फोन मिलाया तो फोन स्विच ऑफ बताने लगा। शक होने पर हेमंत ने इस घटना के संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस को जानकारी दी और पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने अभियुक्त जावेद अली पुत्र छोटे हुसैन निवासी रजा मस्जिद के पास मुस्तफाबाद थाना लोधी जनपद गाजियाबाद के दारोगा की वर्दी पहने हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। जो राहुल है उनका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा है और उनकी पत्नी जो है गाजियाबाद में रहती है। उसी विवाद के संबंध में एक सब इंस्पेक्टर जो कि जिनका नाम योगेंद्र कुमार के नाम से उनको फोन आया था कुछ दिन पहले और उसने उनको ये बात बताई थी कि आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र आया है जिसके आधार पर आपके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। और मामला सेटल करने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया, विभिन्न माध्यमों से कैश व अकाउंट से ट्रांसफ़र कराकर इनसे 6.5 लाख रुपए की इनसे वसूली उसने की और आगे भी और वसूली करने के प्रयास कर रहा था। इसकी जाँच ASP साहब द्वारा कराई गई और जाँच उपरांत मामला सही पाए जाने पर इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया और इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम की जावेद अली और जो कि थाना लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है उसको अरेस्ट किया गया है। बेसिकली ये जावेद अली उत्तर प्रदेश पुलिस के गाजियाबाद जिले में अपने आप की नियुक्ति बताकर और इस प्रार्थना पत्र की जांच करता अधिकारी बराबर बताकर पीड़ित पक्ष से पैसा उगा रहा था। ये फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार फर्जी दारोगा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी TV के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।